मैंने जब भी आप लोगों को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताया तब भी कई जगह पे मैंने ये बताया है कि डिस्ट्रीब्यूटर शेयर यानी डिस्ट्रीब्यूटर को कितना मिला। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के बीच में कितने टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है इस बारे में बात करूंगा और डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह से काम करते हैं ये भी आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर टो, वेलकम टू माई चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। सबसे पहले ये जानिए डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है। डिस्ट्रीब्यूटर वही होता है जो एग्जीबिटर यानी हॉल ओनर और प्रोड्यूसर यानी जो फिल्म बनाता है उन दोनों के बीच का जो ब्रिज होता है। यानी एक प्रोड्यूसर के द्वारा हमारे देश में अराउंड 9527 स्क्रीन है टोटल, इसमें मल्टीप्लेक्स से 3200 और सिंगल स्क्रीन है 6327। तो एक प्रोड्यूसर बिल्कुल ये उनसे नहीं होगा कि हर हॉल ओनर के पास जाए अपनी फिल्म दिखाने के लिए, तो इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूटर चुनते हैं जो उनकी फिल्म लेकर एग्जीबिटर तक पहुंचता है। तो 1996 से 2000 तक, आले 2000 तक हिंदी फिल्म के जो 13 टेरिटरी है उन लोगों के लिए प्रोड्यूसर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चुनता था, लेकिन 2000 से ही बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी इस फिल्म में आने लगे तो वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, तो इसलिए प्रोड्यूसर एक ही डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्म दे देता था, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर को चूज करता था, तो इसलिए प्रोड्यूसर का काफी परेशानी कम हो गया है। तो अब जब आप कोई भी एक इंसान जब टिकट खरीदता है तो इस टिकट का प्राइस किस प्रकार से डिवाइड होते हैं पहले ये थोड़ा समझ लीजिए। आपने सोच लीजिए 100 रुपया से एक टिकट खरीदा तो उसमें सबसे पहले कट होगा जीएसटी। जीएसटी में दो पार्ट होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी स्टेट जीएसटी। तो ये कट होने के बाद जो आता है वो कहता है नेट। जैसे मैंने कई बार कहा है कि नेट कलेक्शन इतने उसको कहते हैं नेट। उसके बाद एग्जीबिटर अपना परसेंटेज कट करके डिस्ट्रीब्यूटर को देता है और जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर शेयर। कई जगह पे मैंने ये बात कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर शेयर इतना मिला है यानी डिस्ट्रीब्यूटर को इतना मिला है। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर के साथ प्रोड्यूसर के साथ किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये समझिए। सबसे पहला और पॉपुलर जो यहाँ पे इंडिया में चलता है वो है एमजी यानी मिनिमम गारंटी। तो मिनिमम क्यों ये आप लोग वो मैं बताऊंगा। मिनिमम गारंटी क्या होता है कि एक अमाउंट में प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। सोच लीजिए 50 करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो 50 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रोड्यूसर को ये फिल्म लिया, प्रोड्यूसर से ये फिल्म लिया, तो उसके बाद वो 20% ऐड करेगा। 20% क्यों ऐड करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म का जो है एडवर्टाइजिंग करेगा, इसके अलावा उसके कई सारे खर्चे भी है, उनकी जो मैन पावर है उनको सैलरी देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वगैरह सब कुछ है, तो इसलिए वो 20% ऐड करता है। तो यानी 50 करोड़ के बाद 20% ऐड करने के बाद होता है 60 करोड़। तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया फिल्म बेचने के फिल्म दिखाने के बाद 70 करोड़, तो 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, ये जो 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ ये 50-50 होने वाला है, यानी 5 करोड़ प्रोड्यूसर को मिलेगा या और 5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा इस प्रॉफिट से। अगर ये फिल्म लॉस हुआ, सोच लीजिए फिल्म को मिला है 25 करोड़, यानी डिस्ट्रीब्यूटर को मिला है 25 करोड़, तो क्या होगा? तो ये जो 25 करोड़ का घाटा हुआ है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को जो 25 करोड़ का घाटा हुआ है, ये 25 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोड्यूसर को देना पड़ा, यानी 25 करोड़ का जो लॉस हुआ है इसको भी 50-50 होने वाली है, यानी 12.5 करोड़ प्रोड्यूसर देगा और 12.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर खुद अपने घर से जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट भी इसमें 50 है, लॉस भी इसमें 50 है। और ये मिनिमम क्यों है? क्योंकि ये मिनिमम बताया जाए कि इतना ही आना है, इसलिए इसको मिनिमम गारंटी कहता है कि 50 करोड़ मुझे मिनिमम आएगा, इसलिए इसको मिनिमम गारंटी कहता है। दूसरा है आपका आउटराइट सेल। आउटराइट सेल यानी एक झटके में सोच लिए 100 करोड़ का फिल्म प्रोड्यूसर ने खर्चा किया और उसने 150 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया, तो प्रोड्यूसर के इसमें कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर उसके बाद प्रॉफिट हो लॉस हो चाहे कुछ भी हो, प्रोड्यूसर का कोई दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, इसको कहते हैं आउटराइट सेल। तीसरा है कमीशन बेसिस। ये बड़े बड़े स्टार के फिल्मों के लिए नहीं होता, छोटे छोटे फिल्मों के लिए जनरली होता है, बड़े बड़े हो सकता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये छोटे छोटे फिल्मों के लिए होता है। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का कोई हेडेक नहीं है, जितने भी खर्चा है सारे खर्चा प्रोड्यूसर को बेयर करने, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बस, और प्रोड्यूसर को सारे खर्चा करने, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर का जितना खर्चा होगा डिस्ट्रीब्यूटर करने में वो सारे खर्चा प्रोड्यूसर उठाने, सिर्फ उसके बदले में डिस्ट्रीब्यूटर 5%, 7%, 10%, 12% कमीशन लेगा बस, इसको कहते कमीशन बेसिस। चौथा जो नंबर है वो है पे इन एडवांस। पे इन एडवांस में क्या होता है,
डिस्ट्रीब्यूटर एक लामसम अमाउंट प्रोड्यूसर को पहले दे देता है। सोच लिए 50 करोड़ दे दिया एडवांस कि 50 करोड़ मैंने तुम्हें दे दिया है, अब मैंने ये फिल्म लिया, अब इस फिल्म से डिस्ट्रीब्यूटर को 70 करोड़ आ गया, तो एक्स्ट्रा जो 10 करोड़ एक्स्ट्रा हुआ है 20 करोड़, इसमें से 20% ऐड करेगा डिस्ट्रीब्यूटर यानी 60 करोड़ हुआ, तो बाकी जो 5 करोड़ वो भी यहाँ पे बिल्कुल 50-50 होने वाला है। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे और मिनिमम गारंटी में एक फर्क है, मिनिमम गारंटी में आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर को पैसा नहीं देता एज ए एडवांस, यहाँ पे एडवांस पैसा दिया जाता है, यानी प्रोड्यूसर को एडवांस दिया जाता है कि 50 करोड़ मैंने तुम्हें दिया। अगर इस फिल्म में फ्लॉप होता है तब जाकर प्रॉब्लम होता है कि प्रोड्यूसर कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं लौटा नहीं सकता। तो इसलिए कई बार इस पर केस कमारी भी हो जाता है। ये एक बहुत ही पॉपुलर एक सुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म कह सकते हैं बाहुबली और बाहुबली 2 को इस कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट से करण जौहर ने नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया था, यानी नॉर्थ इंडिया का राइट उन्होंने लिया था ये पे इन एडवांस बेसिस में। ज्यादा से ज्यादा साउथ इंडियन फिल्म इस प्रकार के मतलब पे इन एडवांस बेसिस में नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ज्यादा से ज्यादा फिल्म, और हिंदी फिल्म ज्यादा से ज्यादा एमजी में होता है, मतलब मिनिमम गारंटी में होता है। मिनिमम गारंटी में डिस्ट्रीब्यूटर को कोई पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि 50 करोड़ तो आएगा, उसके अगर नीचे आ गया तो वो जो लॉस होता है वो प्रोड्यूसर को बेयर करना पड़ेगा, लेकिन वो भी 50-50 होता है। लेकिन पे इन एडवांस में वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर पहले पैसा दे देता है, यही एक प्रॉब्लम होता है। और एमजी में हमेशा हर महीने या हर वीक में जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको बैलेंस शीट सेंड करना पड़ता है कि मुझे मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, और पे इन एडवांस में ऐसा कुछ नहीं है, हर महीने में देना नहीं पड़ता। आखिर में सब कुछ मतलब बैलेंस शीट सबमिट करता है प्रोड्यूसर को। इसलिए ये जो है जो एमजी है ये हिंदी फिल्मों में ज्यादा देखने को मिलता है, और हिंदी जो साउथ इंडियन फिल्में जब हिंदी में आता है मतलब डब करके नॉर्थ इंडिया में आता है तो पे इन एडवांस में चलता है। तो आप लोग उम्मीद करते हो कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए कमेंट में, तो मैं आप लोगों को ये बात वो जो आपका मन में क्वेश्चन है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।